हेलो लवलीज। तो मैं फिर वापस आ गई हूँ। आप लोगों ने काफ़ी मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट में बोला था कि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मेरे हेयर केयर और स्किन केयर के लिए। तो मैंने भी पूछा था वो वीडियो में कि आप अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और बाकी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैं आई बटन जो होता है ऊपर, वो आई बटन पे वो लिंक कर दूंगी, तो जाके देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो अब आते हैं कि मैं हेयर केयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ। तो हेयर केयर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू की बात करते हैं। तो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल का एक्सटेंसो, जो है प्रो केरेटिन का, क्योंकि मेरे स्ट्रेट हेयर हैं। मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाया है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अगर आपका स्ट्रेट हेयर नहीं है फिर भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो फ्रिजी और ड्राई ना हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है अभी, तो मैं वो फ़ोटो डाल दूँगी आपको, आपके लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेट बाल नहीं चाहते हैं तो और एक लॉरियल का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो है सेंसी। वो भी एक्सटेंसो का ही है, सेंसी प्रोडक्ट है उसका, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये दो जो है थोड़े से एक्सपेंसिव है, जिनका अराउंड लाइक 200 ml का बॉटल जो आता है वो आपको आसपास 500 से 600 आ जाता है। तो थोड़ा सा कॉस्टली है ये। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि इस पे उतना ज़्यादा अभी रिले नहीं कर सकते हैं और थोड़ा सा कम बजट का चाहते हैं, तो और एक मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि एक्चुअल में क्या है ना, ये मैं बहुत सालों से यूज़ करती थी। फिर मैंने जब से स्ट्रेटनिंग करवाना चालू किया तब मैंने स्विच किया लॉरियल पे, लेकिन उससे पहले मैं यही वाला यूज़ करती थी जो कि है टफ का जो है। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, काफ़ी कॉमन है, बट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर बोला जाए तो बहुत अच्छा है ये। है डव ऑक्सीजन मॉइस्चर, जो कि आपके बालों में मॉइस्चर देता है। ऑक्सीजन है तो आपके बालों में ऑक्सीजन जाएगा ही उसमें, तो ये आपके बालों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा है ये। जेल है, एक्चुअली जेल टाइप का है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है इसको यूज़ करने पे। ये मैं बहुत सालों से यूज़ करती आई हूँ, तो ये मैं मतलब आंख बंद करके आपको बोल सकती हूँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है? पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। डव का तो बोला जाए, मैं पता नहीं, शायद 6-7 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको, तो बहुत अच्छा है। एंड अगर लॉरियल का बात किया जाए तो मैं इसको 2 साल हो गया यूज़ कर रही हूँ। अब आते हैं कंडीशनर पे। तो कंडीशनर जो है वो भी मैं लॉरियल का ही यूज़ करती हूँ, जो कि है ये एक्सटेंसो मास्क। तो ये क्या है, ये एक कंडीशनर भी है, ये एक मास्क भी है। तो इसको क्या करते हैं, हम कंडीशनर जैसा ही यूज़ करते हैं। मास्क है लेकिन हम कंडीशनर जैसा ही यूज़ करते हैं। इसका खाली ऐसे ही नाम में मास्क लगा दिया है। इसका भी फोटो मैं डाल दूंगी ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो इसका जो कॉस्ट है ये 630 का है, 630 का है। एंड दिस इज़ 196 ग्राम। ये भी एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन वैल्यू है बहुत। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, मेरा 60% to 70% हेयर फॉल ख़त्म ही हो गया है इसको इसको लगाने के बाद से। इसको भी मैं 2 साल हो गया लगा रही हूँ, और लिटरली मैं अगर बोलूँगी तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया है।
बहुत कम हो गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और अगर आप, एज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये ये जो ऑक्सीजन है ना, इसी का ही आता है कंडीशनर भी, इसी का यूज़ कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगी आपको, आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसी का कंडीशनर यूज़ कीजिए। एक शैम्पू और एक दूसरा कंडीशनर यूज़ मत कीजिए। ऐसे क्या होता है ना, बालों में कन्फ्यूजन हो जाता है, माइंड जैसा है, बाल भी वैसे ही होते हैं, हमारे सारे बॉडी के पार्ट सब कुछ सेम ही होते हैं मोस्टली, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कब कोई ड्राई, कोई ऑयली, कोई क्या हो के मिक्स हो के ख़राब हो जाता है। तो मेरी मानिए, जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसी का ही आप कंडीशनर यूज़ कीजिए। अगर आप लॉरियल यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करके, तो कर सकते हैं, नहीं तो अफोर्डेबल में डव का कीजिए आप। डव का ऑक्सीजन जो है सबसे बेस्ट है, ऑक्सीजन का शैम्पू कंडीशनर दोनों ही यूज़ कीजिए। ये रहा शैम्पू कंडीशनर दोनों के बारे में। अब आते हैं सेरम। सेरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंडीशनर जैसा ही। सेरम इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, आप अगर नॉर्मली शैम्पू के बाद आते हैं तब तो सेरम लगाती है, लेकिन अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं अपने बालों में, तो स्टाइलिंग करते टाइम भी आपको सेरम लगाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम कभी भी कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हैं अपने बालों में, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट कम करने के लिए हीट प्रोटेक्टर जैसे यूज़ करते हैं। हीट प्रोटेक्टर मोस्टली बहुत चिपचिपा होता है, हीट प्रोटेक्टर हम हमेशा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो बेस्ट है आप एक अच्छे से सेरम में इन्वेस्ट कीजिए। सेरम को ही हीट प्रोटेक्टर के तरह लगाइए, जो कि बहुत अच्छा काम आएगा। मैं मतलब क्या बोलूँ, अब बहुत साल हो गया है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, सेरम को ही यूज़ कर रही हूँ कोई भी तरीके का स्टाइलिंग करने से पहले। तो मैं जो सेरम यूज़ कर रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं एक ही सेरम यूज़ कर रही हूँ, तो जब मैंने एक्सटेंसो का लिया था ना, तो उन्होंने एक्सटेंसो का सेरम भी बोला था मुझे, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम स्वेयर टू दिस प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेरम, तो मैं इसको चेंज नहीं किया, मैंने इसी को ही कंटिन्यू करवाया, बिकॉज ये लाइक बेस्ट है अगर मैं बोलूँ तो, बिकॉज दिस इज ये मैट्रिक्स का सेरम है, मैट्रिक्स का सेरम है ये, बायोलेंस सेरम है, स्मूथ प्रूफ एवोकाडो का बेस्ट है अगर मैं बोलूँ ना, दिस इज़ द बेस्ट सेरम। मतलब मैं इसको पता नहीं कितने साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा सेरम है ये, अगर यूज़ करना चाहे तो चाहे देख सकते हैं ये करके, आई कैन टेल यू दिस इज़ द बेस्ट सेरम, मेरे बाल के लिए तो बहुत अच्छा सूट करता है। आप चेक कर सकते हैं आपके बालों पे ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये नहीं है कि मेरे बालों पे या मेरे स्किन पे जो भी चीज़ें सूट कर रही हैं वो आप पे सूट करे, क्योंकि हम सब अलग होते हैं, हमारा स्किन टाइप, हमारा हेयर और टेक्सचर सब कुछ अलग होता है, तो उस हिसाब से कभी कभी डिफर करते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं आप, टेस्ट कर सकते हैं आप, और अगर मैं बोलूँ तो पहले पैच टेस्ट कर लीजिए हर प्रोडक्ट का, फिर आप पूरा आप उसको लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप अगर ले रहे हैं तो उसको पैच टेस्ट कर लीजिए पहले, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ रहता है ना, फर्स्ट आप पैच टेस्ट कर लीजिए उसका, तो पैच टेस्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं उसको। बट अगर मैं बोल रही हूँ, मेरे स्किन और हेयर के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में, बहुत अच्छे सूट करते हैं, और मैं काफ़ी टाइम हो गया इस सब प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसको बिना यूज़ करे आपको बोल रही हूँ, मैं ये सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। ये नया बॉटल मैंने मंगाया, थोड़ा सा ख़त्म हुआ है देखिए तो। एंड और एक बात बोलती हूँ मैं, सेरम ना बहुत टाइम तक चलता है, क्योंकि हार्डली हम 4 या 5 ड्रॉप्स लगाते हैं पूरे बाल में। अगर मेरे लेंथ का अगर बोला जाए ना, मैं 6 to 7 ड्रॉप्स लगाती हूँ, उससे ज़्यादा लगाती हूँ नहीं मैं,
क्योंकि ऑयली कर देता है, ये ज़्यादा चिपचिपा कर देता है बालों को। तो ये मतलब आपका ये एक बॉटल ना बहुत टाइम जाएगा। तो आप अगर इस एंड इसका कॉस्ट है 295, काफ़ी अफोर्डेबल है। 290 का तो आप दे ही सकते हैं, राइट? अब बालों का केयर करना है तो इतना तो खर्चा करेंगे ही ना आप। तो इसको लगाइए एंड देखिए आप पे कैसे सूट कर रहा है ये सारा प्रोडक्ट। तो ये हो गया ये तीन जो कि मैं बालों पे लगाती हूँ। इसके अलावा मैं बालों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये तीन प्रोडक्ट ही है, ओनली ये तीन प्रोडक्ट जो कि मैं अपने बालों पे यूज़ करती हूँ, कुछ और मैं नहीं लगाती हूँ, लिटरली नहीं लगाती हूँ कुछ और। और आप मेरे बाल थोड़े से थिन हैं, बाय बर्थ मेरा थोड़ा थिन हेयर है, तो स्किन केयर के लिए मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट आप जो है एक क्लेंजर यूज़ कीजिए, क्योंकि हम ना डेली फेस वॉश करते नहीं हैं, तो हम क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं डेली। आप चाहे तो नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करके डेली यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ अल्टरनेटिव डेज में करती हूँ एंड एवरी डे मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ, स्पेशली रात को सोने से पहले। तो ये एक है जो कि आप लगाइए, ताकि क्या होता है ना, आप दिन भर जो भी डर्ट पोल्यूशन कुछ भी आपके स्किन पे चिपका हुआ रहता है वो खाली सोप या किसी से जाता नहीं है। तो मैं अगर इवन मैं फेस वॉश करती हूँ फिर भी मैं पहले क्लेंज करती हूँ फिर जाके करती हूँ। तो मैं क्लेंजर के लिए जो यूज़ करती हूँ वो है ये, ये ये है बायोटेक का। बायोटेक एक बहुत अच्छा हर्बल प्रोडक्ट है। ये है बायोटेक का बायो बर्बेरी जो कि है एडवांस आयुर्वेदा का एंड हाइड्रेटिंग क्लेंजर है। बहुत अच्छा, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है आप रोज़ यूज़ करना चाहेंगे इसको। मुझे बायोटेक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लोशंस बॉडी लोशंस जो होते हैं उनको भी यूज़ करती हूँ कभी कभी एंड मुझे इसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो ये एक है जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऑयली ड्राई नॉर्मल कुछ भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 100% आयुर्वेदा रेसिपी के साथ लिखा यही है, अब पता नहीं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेरी का है एंड इसका कॉस्ट है 170 एंड दिस इज़ लेट मी चेक 120 ml का, 120 ml इज़ 170। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसको थोड़ा टाइम हो गया यूज़ कर रही हूँ। मैं एक्चुअली पहले क्लेंस नहीं करती थी और मैंने देखे कि मेरे काफ़ी ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया, जो कि पहले मेरे कभी होता नहीं था। थोड़े से ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया एंड कभी कभी ऑयली स्किन से ब्रेकआउट होता है, कभी कभी ड्राई स्किन से, ज़्यादा ह्यूमिड एंड ज़्यादा समर का टाइम रहता है तभी ब्रेकआउट होता है मेरे साथ। तो समर्स में ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड यू वोंट बिलीव, लिटरली यू वोंट बिलीव, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इसको एक ही बार यूज़ करती हूँ रात को, इसको पूरा फेस को क्लीन करने के लिए, ताकि मैंने दिन भर जो भी लगाया है उसको मैं निकाल सकूं, उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ एंड ये बहुत अच्छा है। और बायोटिक ऐसे ही अच्छा एक कंपनी है, ज़्यादा पॉपुलर अगर बोला जाए तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इफ़ आई वुड से। तो बहुत अच्छा कंपनी है, यू कैन यूज़ इट। उसके बाद तो मोस्ट क्या बोला जाए, जो मोस्ट क्वेश्चन जो मुझे आए थे, आप कौन सा एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं? तो लोग जानना चाहते हैं मैं कौन सा एलोवेरा यूज़ करना करती हूँ, सॉरी मैं फंबल क्यों कर रही, छोड़ो। ये मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़
दिस इज लैक्मे, लैक्मे 9 to 5 नेचुरा का एलो एक्वा जेल। ये एक प्रोडक्ट है ना, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकती। कुछ भी हो जाए मैं इसको पता नहीं दिन में 2-3 बार लगाती हूँ लिटरली। कभी भी मैं नॉर्मली वाटर से भी फेस धो के आती हूँ ना, इसको लगाती हूँ उसके बाद। मैं मतलब इतनी पागल हुई इसके लिए, ये एलोवेरा जेल के लिए मैं इतनी पागल हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज सनस्क्रीन लोशन, सन ब्लॉक लोशंस। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सन ब्लॉक लोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे स्किन के लिए, चाहे हम बाहर धूप में जाएं या ना जाएं। हम घर पे भी रहते हैं तब भी हमें सन ब्लॉक लोशंस लगाने चाहिए। तो मैं ये सन ब्लॉक लोशन लगा रही हूँ। ये एक्चुअली एक मॉइस्चराइज़र प्लस सन ब्लॉक लोशन है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम लोटस, लोटस प्रोफेशनल का है। दिस इज लोटस प्रोफेशनल एंड ये प्रोटेक्टिव लोशन है एक, जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। एंड मुझे ना इसको लगाने के बाद कोई क्रीम एज सच, कोई मेकअप क्रीम लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इन लाइक फाउंडेशन हो या फिर कोई BBCC क्रीम हो, कुछ भी हो, मुझे एज सच उसको लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये एक, अगर आप लाइक क्या बोल सकते हैं, अगर आप नो मेकअप मेकअप वाले इंसान हो ना, ये बेस्ट है। इसको खाली लगा दीजिए, आपका मेकअप वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये सन प्रोटेक्ट भी करता है, टैन सन टैन को प्रोटेक्ट भी करता है एंड एक क्रीम की तरह भी है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे ये बहुत पसंद आता है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका डब्बा मैंने फेंक दिया है, लेट मी चेक इसका प्राइस है या नहीं इसमें। यस, इसका प्राइस है इसमें। सो दिस इज 100 ml, 100 ml को इसका कॉस्ट है 445। ये भी थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आपको ना इसके बस 2-3 ड्रॉप से काम चल जाता है। हार्डली आप 3-4 ड्रॉप लीजिए, आपके फेस एंड नेक दोनों बराबर मतलब कंप्लीट हो जाएंगे उतने में ही। तो काफ़ी दिन जाता है ये यूज़ करने पे। तो अगर आप इतना सा इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, काफ़ी दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी आप लगाते हैं और ये पूरे फेस को कवर करता है। जैसे है ना हमारे फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन, ये एक बोला जा सकता है सनस्क्रीन फुल कवरेज वाला। तो आप 3-4 ड्रॉप ले सकते हैं हाथ में एंड उसको पूरे फेस एंड नेक पे लगा सकते हैं, ये पूरे फेस एंड नेक को कवर कर लेगा। एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड यू कैन यूज़ दिस। अगर आप कोई अफोर्डेबल सनस्क्रीन चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर लोटस का ही। लोटस के दूसरे सनस्क्रीन लोशंस रहते हैं, तो मैं एक फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे ताकि आपको एक रेफरेंस में मिल जाए मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है एंड वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट उसको आप एक ध्यान में रखिए, हमेशा आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से लीजिए। जो SPF रहता है उसको अपने स्किन टाइप के हिसाब से लीजिए। मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप जो भी सनब्लॉक्स ले रहे हैं, सनस्क्रीन्स ले रहे हैं, 50 के नीचे लीजिए, लाइक 50, 40, 30, 20 ऐसे लीजिए। ऐसे नहीं कि 60, 70, 80 कुछ ले लिया आपने, वो ज़्यादा काम में नहीं आता है, तो 50 से नीचे का लीजिए आप। मैं जो यूज़ करती थी, मैं 40 का यूज़ करती थी उसी का ही, और वो मेरे स्किन में बहुत अच्छा सूट करता था। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम होता था मेरे साथ, मुझे बहुत स्वेटिंग होता है, तो उसको लगाने पे मुझे थोड़ा सा स्वेटिंग होता था। वो एक ही प्रॉब्लम होता था जिसके वजह से मैंने उसको चेंज किया इसके साथ। इसमें कुछ भी स्वेटिंग एंड ऑल का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें थोड़े से स्वेटिंग का प्रॉब्लम, अगर आप थोड़े ज़्यादा स्वेटी टाइप के पर्सन हो तो थोड़े से स्वेटिंग हो सकता है आपको उसमें। लेकिन
इन प्रोडक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो अफोर्डेबल रेंज में आता है, 240-250 के रेंज में आता है, हार्डली 300 के रेंज में ही आता होगा शायद, नहीं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने आज आपको जितने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बोला है वो सब मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, और ये बात मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एक भरोसा आए मुझ पे, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कुछ भी प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर देंगे, वो उन्होंने यूज़ किया भी होगा नहीं किया होगा पता नहीं, मोस्टली तो यूज़ करते भी नहीं है और जानते हैं आप किस रीज़न के लिए वो बोलते हैं आपको, लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। मेरे हेयर स्टाइलिंग जो भी प्रोडक्ट्स हुआ या फिर कुछ भी मैं जो यूज़ करती हूँ उस वो सब जानना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग मशीन वाले एक स्ट्रेटनर या फिर कर्लिंग आयन कुछ भी हुआ या कोई भी टाइप का सेट जेल हुआ कुछ भी, तो अगर वो सब जानना चाहते तब भी मुझे कमेंट पे बोलिए, प्लीज़ बोलिए मुझे कमेंट पे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई, कमेंट पे बोलिए। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय।